दोस्तों अभी रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं हम लोग। ये देखिए एक्सीलेटर पे यार है अब्बा अम्मा शाहनवाज। दोस्तों देखिए जा रहे हैं इलाहाबाद, ये जा रही है ये पापा ये भाई यहाँ। जवान गया है कोल्ड ड्रिंक लेने 20 रुपए वाली। दोस्तों ट्रेन आ चुकी है, ट्रेन में बैठा दिए हैं अभी, तो ट्रेन रुकी हुई है थोड़ी देर में चलने वाली है। शाहनवाज देखिए खिड़की से बात कर रहा है। हेलो दोस्तों, हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों सारी तैयारी हो गई है, देखिए इलाहाबाद जाने की तैयारी हो रही है। अम्मा अब्बा और जमन अपने पूरे कपड़े वपड़े सब प्रेस लगा रहा है। कल है संडे, कल ये लोग जो है जाएंगे। देखिए सारा जो है सामान इसमें पैक हो चुका है, पूरी पैकिंग जो है हो चुकी है। कपड़े साड़ी जूते मोजे सूट सब खरीद लिया गया है, और सामान के लिए सऊदी भेजने के लिए देखिए ये जूता ख़रीदा गया है, और इसमें टी शर्ट, और कल जो है लोअर भी लाना है हमें। ये टी शर्ट हो गई है, एक दो टी शर्ट इसमें है, एक येलो कलर की टी शर्ट है और एक ये है, तीन टी शर्ट है, लोअर भी ख़रीदना है। भाई सारी तैयारी हो गई है, अब कल जो है 8 बजे की जो है ट्रेन है, तो हम लोग यहाँ से 6:30 बजे तक निकलेंगे। और आज हमारे यहाँ अभी बना है मटन, तो चलिए हम जो है दिखाते हैं आपको मटन। और हमारा टाइम हो गया खाना खाने का, सब लोग खाना खा चुके हैं। ये देखिए भाई अब हम भी चल रहे हैं खाना खा लें, बहुत तेज़ हमारी भूख लगी हुई है। बहुत बढ़िया ग्रेवी के साथ बना है मटन, देख के भाई भूख और तेज़ हो गई, मुंह में पानी आ गया। अब देखिए टोस्ट भी हम खरीद के लाए हुए हैं, हम आपको टोस्ट भी दिखाते हैं। ये देखिए ये है टोस्ट, बाकी का टोस्ट जो है अम्मा ने पैक करके रख दिया है। ये 160 रुपये किलो मिलता है टोस्ट, बिल्कुल समझ लीजिए बर्फ़ी की तरह टोस्ट होता है, समझ लीजिए मिठाई आप खा रहे हैं, बहुत टेस्टी टोस्ट होता है भाई। देखिए थिकनेस देखिए इसकी कितनी बढ़िया है, बिल्कुल खस्ते की तरह मुलायम है। तुम्हारे लिए से जगह बात कर रहे हैं, तुम्हारे लिए ले लिया गया है और टोस्ट भी तुम्हारे लिए लिया है, 2-1 नंबर का बात हो रही है। चलते हैं भाई, सबसे पहले हम खाना खा लें, थोड़ा सा टोस्ट हम टेस्ट कर लें। बिल्कुल घी में बनता है ये, बहुत अच्छा है। देख ले टोस्ट है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया स्वाद है। 60 रुपये किलो सबसे महंगा टोस्ट। खा चुका है वो, खा चुका बैठा है खाना, मतलब का सामान है, सिर्फ मेरा है बटन जो बचा हुआ है, सिर्फ मेरा मटन है ये। देखिए भाई बहुत बढ़िया गला है, एकदम रूखा पीस है, लेकिन वैसे हमको चिकनेदार ज़्यादा पसंद है, रूखे से ज़्यादा हम चिकनेदार पसंद करते हैं, लेकिन आज के सारे पीसेस जो हैं रूखे हैं, सिर्फ इसमें ज़रा सा बिल्कुल चिकना लगा हुआ है। एक बाइट लेता हूँ भाई मैं रोटी के साथ, भेजेंगे लोअर की फोटो, बिल्कुल रूखा पीस था। अब अब्बा और अम्मा चले जाए इलाहाबाद, साथ में जमन तो जा ही रहा है, उसके बाद देखते हैं कि हम और शाहनवाज दो लोग रहेंगे तो दो लोग के हिसाब से रेसिपी हम लोग बनाएंगे। बहुत अच्छी हुआ भाई ग्रेवी बनी आ गई, ये है कि तुम्हारा जो है पहनो के वहाँ तुम्हारा कोई टेंशन ना हो गया। शाहनवाज बात कर रहा है, एक शाहबान से बात कर रहा है, ये है मेरा रूखा पीस, ये देखिए भाई कितना बढ़िया जो है रूखा पीस है ये। डालो है, सारी तैयारी चल रही है, जमन बिल्कुल जो है खुश है इलाहाबाद जाने में, खुशी चेहरे से झलक रही है, पूरा प्रेस वगैरह सब लगा रहा है। शाहनवाज कपड़ा खोल के दिखा रहा था पानी को, बस ये है कि भाई वहाँ पे गर्मी थोड़ा ज्यादा पड़ती है,
अभी हम लोग भोपाल में है तो यहाँ का मौसम बहुत प्यारा है, इट इज़ नाइस वेदर, लेकिन वहाँ इलाहाबाद में बहुत ज़्यादा गर्म है। आज चावल भाई मैं इसी में खाऊंगा, भगौड़े में लास्ट का बचा हुआ है, सब तो खा चुके हैं खाना। शॉपिंग करने हम लोग गए हुए थे हम और शाहनवाज, थोड़ा टाइम हो गया। देखिए शाहनवाज अपने लिए भी एक टी शर्ट लेकर आया, कितनी फुल साइज है, ये बिग साइज की है, खूबसूरत है, अरे यार ये पीस क्या है, चिकने वाला है ना, इसमें चिकना लगा हुआ है, थोड़ा टाइट है ये हमारा, देखिए रूखा पीस है, आराम से टूट जा रहा है, पानी निकालेंगे तो ना। चलिए दोस्तों फिर खाना खा लें हम, और क्या, चार टी शर्ट जा रही है, हो गई सारी पैकिंग, का बचा पैक करने के लिए, तुम्हारे प्रेस हो गया सब, पूरा सामान पैक कर लो अच्छे से। और ये देखिए कंगन, कि कंगन है दो अलग अलग कलर में, बहुत सारा सामान हो गया। अब सब कल जो है ट्रेन में सारा सामान रखवाना है, बैग बहुत सारे हैं, तो पहले हम लोग को रेलवे स्टेशन पहुंचना पड़ेगा थोड़ा वक्त से पहले, क्योंकि सामान कुछ ज़्यादा है। सैंडो बननी है, ये किसकी सैंडो है, स्टेशन में कपड़ा बदलोगे कहाँ पे? हमें देखो ऐसा है, पहन के शर्ट पहन के जा रहे हैं अपन ट्रेन में, जब स्टेशन उतरेंगे हम तो कुर्ता पहन लेंगे, हंसी की असारत करवाएंगे, हंसी की असारत, कौन सा कपड़ा पहन के तुम स्टेशन में खड़े, ट्रेन तो कौन सा जा रहे हो पहन के, आओ देखें गंदा का, ट्रेन पे कौन सा जाने के लिए कह रहे हैं पहन के, पहन रहे हैं वाली पहन छे तो अरे यार साफ कपड़ा पहन के जाओ, ये स्टेशन पे बदल सकते, ट्रेन के अंदर ये पहनेंगे, बदल बेचेंगे, सोएंगे, टीटी डबल टिकट ना काट देंगे, एक बार बनवाओ टीटी वाला, तो कपड़ा पहन टीटी वाला काट दिया, टीटी वाला कपड़ा पहन ऐसे काट दिए, एक काला कोट पहना दो बस इनको, ये पहनेंगे। सैंडो तो चेंज करो, कितना छेद है उसमें सैंडो में, हटाओ ये फेंक दो इसको, फेंको सैंडो फेंको, अंदर ट्रेन में, अच्छा वहाँ जब चलो ठीक है, उतरने से पहले पहन लेना ट्रेन में, चेंज कर लेना मुँह हाथ धो के चेंज कर लेना, सुबह का टाइम रहेगा बिल्कुल ठंडा टाइम, स्टेशन में बाथरूम था, घर पहन के इसको जाएंगे, मतलब जो ट्रेन में पहन के जाता है कि नहीं जाता है, कपड़ा ट्रेन का नहीं 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 दूसरी पहनना है, ट्रेन पे सफर करता है तो कपड़ा जो है हल्का पहनता है, तो घर पहन के जाओ, हाँ स्टेशन पे रहे, अच्छा साफ पहन के जाओ, नहाएंगे घर में जाकर धोएंगे, साफ कपड़ा पहन के जाओ, नया कपड़ा भी पहनता है, नया कपड़ा है, वाइट शर्ट नहीं निकली, मिलोड़ो ना उसको, इसको ऊपर डालना, घर जाते था, घर जाते था एक उतार के नया ही पहनना, गंदी है इसको पहन के ना जाना, गंदी हो रही है। दोस्तों 8 बजे की ट्रेन थी, लेकिन ट्रेन जो है 5 घंटे लेट हो गई है, तो देखिए सारी तैयारी तो हो चुकी है, हम लोग सारा सामान वामान खरीद के लिए आए हैं, और एक जीन्स अपने लिए भी मैंने लिया है, देखिए एक डैमेज जीन्स मैंने अपने लिए लिया है, बाकी सामान के लिए जो है अंडरवियर लोअर सैंडो बहुत सारा सामान जो है खरीदा है हम लोगों ने, अब देखते हैं भाई ट्रेन कितना कवर करती है, और जहाँ तक है मुझको लग रहा 5 घंटा अगर लेट आए तो 8 बजे की ट्रेन थी तो 1-2 भी बच सकते हैं, अगर रात के जो है फिर हम लोगों को जाना पड़ेगा। देखिए सारा सामान पैक है, अम्मा बात भी कर रही हैं, इतना टाइम लग गया भाई सामान खरीदने में, बहुत टाइम हो गया सारा सामान जो है
बाजार एक एक चीज जाके खरीदने के लिए। और एक दिखाते हैं कैप्री लिए अपने लिए, वाइट कैप्री छोटी घर में पहनने के लिए, बहुत अच्छा इसका वाइट कलर है बिल्कुल, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। देखिए ऐसे आपको दिखाते हैं, ये देखिए ढीली डाली है, गर्मी में पहनने के लिए बहुत अच्छी है। ये देखिए अब्बा भी गए हुए हैं बाहर, टोपी ली अब्बा ने, एक घड़ी लाई हाथ वाली, और इतर लिया अब्बा ने, रुमाल लिया, बहुत सारी शॉपिंग अब्बा ने भी किया है। बस अब जो है देखते हैं ट्रेन की टाइमिंग क्या है, कितनी देर में आती है, कितना जो कवर कर सकती है, फिर निकलेंगे तो हम आपको दिखाएंगे स्टेशन। दोस्तों देखिए सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन ट्रेन इतनी लेट थी कि जो है ये टाइम हो गया। ये देखिए 1:15 बज गए और 3 बजे जो है आने की संभावना है ट्रेन की। 7 घंटा, पूरे 7-8 घंटा ट्रेन लेट हुई है भाई। 8 बजे की टाइमिंग थी ट्रेन की, और तब तक देखिए अब्बा जो है अपनी दाढ़ी में जो है डब कंडीशनर और शैम्पू से धो के डब कंडीशनर लगाए से, कंडीशनर से, और कंडीशनर को जो है कंडीशनर बोलते हैं। चमक आ गई देखो, हां दाढ़ी की चमक देखो, बाल की शाइनिंग देखो। काहे से धोयो? कंडीशनर से धोया है। कंडीशनर बाल की शाइनिंग देखो, कंडीशनर को कंडीशनर, बाल की शाइनिंग देखो, शाइनिंग तो आ गई, चमक गया दाढ़ी और वाइट हो गई। देखें इधर रोशनी में आओ, देखें बाल की शाइनिंग देखो, देखो लाइट जला के वाइट, हाँ मुलायम हुआ ना, वो वाइट हो गए पहले से वाइट हो गए। करना लगाने नहीं कर, हाँ इधर दाढ़ी में लगाते हैं कंडेस्टर से। डेढ़ बजे हुए हैं अभी, 1.5 घंटे और बचे हुए हैं। चलिए भाई 1.5 घंटे और वेट करते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। एक बार फिर मार दिया चमन ने, सुबह तो 4 बार नहा चुके हैं, तीसरी बार ट्रिप पर। हाँ तो जितना नहाना है यहाँ नहा ले, फिर मौका कहाँ मिलेगा। देखो तो बिस्तर ना भी गा यार, लेटना है हमको, आ जाओ हो गया काम। कंडिस्टर हाँ, कंडिस्टर को कंडिस्टर, कंडिस्टर। अब तैयारी हो गई है लोगों की निकलने की, रिक्शा लगा हुआ है बाहर, बैग वेग रखे जा रहे हैं रिक्शे पर। चलो बैग रखो बाहर जल्दी जल्दी। दोस्तों अभी रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं हम लोग, ये देखिए एक्सीलेटर पे यार है अब्बा अम्मा शाहनवाज। दोस्तों प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, ट्रेन अभी भी 1/2 घंटे लेट है, और भैया 30 मिनट अभी और लगेगा। गमन भी तैयार है बिल्कुल फुल मूड में, ट्रेन में जो है विजिट करने के लिए बैठने के लिए जा रहे हैं। गाड़ी वाले देख सकते हैं आप। चलिए दोस्तों भी ट्रेन आ जाए हम आपको दिखाते हैं। देखिए जा रहे हैं इलाहाबाद, ये जा रही है अम्मी, ये पापा, ये भाई और ये हम। जवान गया है कोल्ड ड्रिंक लेने 20 रुपए वाली। दोस्तों ट्रेन आ चुकी है, ट्रेन में बैठा दिए हैं, अभी तो ट्रेन रुकी हुई है, थोड़ी देर में चलने वाली है। शाहनवाज देखिए खिड़की से बात कर रहा है। तो अब हम लोग भी जा रहे हैं घर, ट्रेन जो है चल पड़ी है, ये देखिए अब ट्रेन जो है चल पड़ी है, अब चलते हैं भाई हम लोग भी घर की तरफ, काफ़ी टाइम हो गया है। 3:14 हो चुके हैं। चलिए दोस्तों घर पहुंच जाएं, उसके बाद जो है घर पे जो है खाना वाना रखा हुआ है, खाना वाना खाएंगे फिर हाथ मुँह धोएंगे, हो सकता है एक बार और नहा लें, गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगी है। बैग वैग उठा कर मतलब जा चुकी है भाई, ये भाई हमारा भोपाल स्टेशन।
दोस्तों अभी घर पे आ चुके हैं, छोड़ के जा रहे हैं नहाने धोने। और जो है देखिए थोड़ा रखा हुआ है यहाँ पर खिचड़ा, थोड़ा खिचड़ा खाएंगे भाई, उसके बाद जो है सोएंगे। काफ़ी टाइम हो गया है गली में, आप देखिए 4:15 बजने वाले हैं घर। बिल्कुल जो है देखिए सन्नाटा हो गया, सुना सुना 3 लोग चले गए। अभी 1 हफ्ते तक हम लोगों को 2 लोगों को रहना पड़ेगा। खाना पीना जो है कुछ टाइम तो बना लेंगे, उसके बाद देखेंगे होटल से ले आएंगे खाना वाना। 1-2 दिन अगर जो है टाइम मिला तो बना लेंगे फिर, क्योंकि जो है काम पे रहेंगे तो टाइम मिलेगा नहीं हम लोगों को। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद।